अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम कार पेट्रोल 02। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पेट्रोल मशीन का जो ब्लेड रहता है इसमें जब धार खत्म हो जाती है तो फिर ये देख पा रहे होंगे आपके ये कितना काला पड़ जाता है जब हम इसको धार खत्म होकर यूज करते हैं। ये फिर खाली धुआं निकालता है, बाकी ये काम कुछ भी नहीं कर सकता है। ये देख पा रहे होंगे आप इसके दांते बिल्कुल भी डैमेज हो चुके हैं और इसको दिखाएंगे हम आज आपको शार्प करके। बहुत ही इजी तरीका इसको शार्प करने का क्या रहेगा और इसको शार्प करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। वैसे तो आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियोज़ देखी होगी कटर मशीन को शार्प करने की, लेकिन एक चीज़ हमने जो है वो छुपाई हुई वो बताई नहीं है उन्होंने या यूज़ भी नहीं की है उन्होंने कि उस चीज़ के बगैर अगर इसको शार्प किया जाए तो ये बिल्कुल मतलब 100% शार्प नहीं हो पाता है। तो मैं वो चीज़ आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कि वो चीज़ क्या है जो हमें इसको शार्प करते वक्त ज़रूरी यूज करनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इसको किन किन इसको शार्प करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। इस चैनल पे आपको वुड वर्किंग से रिलेटेड शॉर्टकट टिप्स और इजी ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम जाया किए हुए। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक ग्राइंडर मशीन की। ग्राइंडर मशीन से हम इसको आज हाथ में जरूरत पड़ेगी ये दो क्लैंप्स की, जिससे हम अपने ग्राइंडर मशीन को एक जगह एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक ब्लेड्स, ये डायमंड वाला ब्लेड है, इसको अच्छे से आप देख लें क्योंकि इसके बगैर जो है ये ब्लेड शार्प नहीं हो पाता है। कई लोग क्या करते हैं कि इस ब्लेड से जो लोहा काटने वाला होता है इससे शार्प करते हैं, इससे ये बिल्कुल शार्प नहीं हो पाता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बताने के लिए करते हैं वरना इससे शार्प नहीं हो पाता है। तो ये डायमंड ब्लेड है, डायमंड ब्लेड्स जितने भी आते हैं हमारे कारपेंटर टूल के जितने भी डायमंड ब्लेड्स हैं उनको शार्प करने के लिए स्पेशली ब्लेड आता है। ये आपको लोकल मार्केट में आसानी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी आप इसको अपने घर पर मंगवा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी तीन लकड़ी के पीस की। ये मैंने बना लिए हैं पहले ही, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने ये पहले तैयार किए हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी ये कुछ स्क्रूज की, और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी ये आपको कहीं वर्कशॉप पे या ये रिपेयरिंग वालों के पास मिल जाएगा आसानी। ये ग्राइंडर मशीन का जो ये होता है ये सेम यही चीज़ है। ये कहीं पुराने एंगल ग्राइंडर का अगर हो आपके पास तो या आपको रिपेयरिंग वालों के पास आसानी मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको ये एक ज़रूरत पड़ेगी इसकी। इसका क्या काम है दोस्तों ये देख पा रहे होंगे आप, स्टील का पीस लिया हुआ मैंने, इसमें स्क्रू लगा हुआ है। ये किस काम में आएगा ये भी आगे वीडियो में चल के मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहें, चलिए मैं आपको इसको एडजस्ट करके दिखाऊंगा। और एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, ये बेंच जिस पे हम इस एंगल ग्राइंडर को एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको एंगल ग्राइंडर को इस अपने बेंच पे एडजस्ट करके दिखाता हूँ आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों ये मैंने हैंडल ग्राइंडर एडजस्ट कर लिया, ये हैंडल जो है इसका ये आपने इसको लगा के रखना है क्योंकि अगर कहीं भी ये एक्सीडेंट करे तो आप इसको पकड़ सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस बताते हैं आपको। ये ब्लेड अपना एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, और ये आपने इसमें एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए इसमें होल डाला हुआ है मैंने। ये कोई क्या करता है कि लकड़ी में बैरिंग एडजस्ट करके फिर इसमें उसको एडजस्ट करते हैं। अगर आपके पास बैरिंग नहीं है तो तभी मैंने ये इजी फार्मूला आपके लिए बताया। ये देखिए इसमें ये वर्क करेगा, आप होल इसको इसमें डालना है क्योंकि ये ब्लेड हमारा इजी घूम सके ऐसे स्लाइड कर सके। अब आपने करना है यहाँ पर इसको एडजस्ट कुछ इस तरह से ब्लेड के साथ, बिल्कुल इस वाले ब्लेड के साथ एडजस्ट करके ऐसे आपने रखना है। और इसके बाद ये वाला एक लकड़ी का पीस लेके आपने इसके साथ इसमें ऐसे एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको इसको पहले एडजस्ट कर लेता हूँ, करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों ये मैंने एडजस्ट कर लिया एक पीस लकड़ी का, आपने इसके साथ स्लाइड कुछ इस तरह से करते रहना है। तो चलिए ये जो लकड़ी का पीस है, एक और लकड़ी का पीस, ये आपने इस तरह इसको बनाना है। ये इसका गेज बनेगा कुछ इस तरह से आगे पीछे चलाने के लिए। तो चलिए मैं इसको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। ये आपका लकड़ी का पीस बीच वाला जिसमें हमारा ये लगेगा, ये आपका काम करेगा आगे पीछे लेने के लिए। जब भी आपने धार लगानी है आप ऐसे करेंगे और ऐसे, ये देखिए बहुत इजीली ये चल रहा है आगे। तो चलिए अब हमारे पास ये वाला एक पीस बचा है, ये इसमें जो स्क्रू लगा हुआ है ये कहाँ पे यूज़ करना है हमने। सबसे जो मेन चीज़ें मैं बनाने वाला हूँ कि जो हर जो जो वीडियो में किसी ने बताया नहीं है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये इसमें पानी डाला हुआ मैंने और इसमें ग्लूकोज की लीड लगाई हुई है, ये देख पा रहे होंगे आप। क्योंकि इसको जब धार लगानी है हमने तो इसको पानी हमें रेगुलरली चाहिए, इसमें पानी रेगुलरली चाहिए ताकि ये डायमंड का ब्लेड, इसके टीथ डायमंड होते हैं, तो इसको पानी के बगैर धार लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि वैसे धार अच्छी लगती नहीं है। जब इसमें पानी रेगुलरली रहेगा, ये इसका टीथ गर्म नहीं होगा तो इसकी धार जो है बिल्कुल 100% परफेक्ट लगेगी। तो चलिए मैं इसको लीड को एडजस्ट करके दिखाता हूँ आपको। यही वो बात थी दोस्तों जो किसी ने भी वीडियो में बताई नहीं है, ये जो इसका क्लंप मैंने बनाया हुआ है इसको यहाँ पे हम स्क्रू की मदद से लीड को पकड़ा लेंगे।
चलिए दोस्तों, आपने ये थोड़ा सा लूज रखना है ताकि हमारा पानी इसमें अच्छे से आ जाए। तो चलिए पानी की सप्लाई देते हैं इसमें, यहाँ से लीड को ऑन करके। तो चलिए दोस्तों, हमारा इसमें पानी आ चुका है, ये देख पा रहे हम, या ये देखिए, क्योंकि ये जो ये हमारा काम बहुत अच्छे से कर रहा है। तो चलिए एंगल ग्राइंडर को करते हैं हम ऑन और दिखाते हैं आपको कटर मशीन की ब्लेड में धार लगा के, आप वीडियो में बने। दोस्तों ये देख पा रहे होंगे आप, मैंने ये वाले दो टीथ शार्प कर लिए हैं, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये देखिए ये वाला और ये वाला। चलिए मैं इसी सिल्क प्रेस से आपको ये पूरा शार्प करके दिखाऊंगा। आपने करना क्या है कि एक जहां से आपने शुरू किया वहां आपने एक निशान लगा देना है। तो चलिए मैं इसको पूरा शार्प करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने ये पूरा शार्प कर लिया है। चलिए मैं अब आपको कटर मशीन में इसको एडजस्ट करके एक लकड़ी का पीस आपको काट के दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने ये कटर मशीन का ब्लेड जो है कटर मशीन में बांध लिया है, ये देख पा रहे हैं आप। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक लकड़ी का पीस काट के कि ये कितना अच्छा वर्क कर रहा है, कितना अच्छा शार्प हुआ है, अब यहाँ पता चलेगा हमें। तो चलिए मैं आपको ये पीस काट के दिखाता हूँ। ये देखिए 4x1.5 इंची का पीस है, बिल्कुल मक्खन की तरह इसे काट लिया है। तो चलिए मैं एक पीस और काट के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल सफाई देखिए इसकी काटने की। पहले जब ये शार्प करने के बगैर था तो ये बिल्कुल काटता, थोड़ा थोड़ा काटता था, लेकिन बिल्कुल ये लकड़ी का पीस बिल्कुल काला पड़ जाता था। अब देखिए कितना अच्छा ये शार्प मैंने कर लिया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके आप बेल सेलेक्ट कीजिए, और हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।